मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं, आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग, जनता साथ देने को तैयार नहीं है। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा, बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है।